तो टिश्यू इन्वेजन आप लोगों तो ये देखें, ये आप लोगों की वीडियो की आवाज तो नहीं आएगी, लेकिन मैं आप लोगों को साथ साथ एक्सप्लेन करता जाता हूँ। तो हम इन्वेजन आज टिश्यू की स्टार्ट करने जा रहे हैं, ताकि टिश्यू ब्लॉक बने जिसको हम माइक्रोटोमी में कट करें। तो उसके लिए हमें क्या चीज चाहिए? एक तो हमें चाहिए ब्लाउज, तो हम इसलिए क्योंकि बहरहाल वो इंफेक्शन पोटेंशियल है कि उसमें हेपेटाइटिस बी सी की चीजें हो सकती हैं, तो वो हमें ना लग जाए। और फिर इसलिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से ये जो आपके उसके हाथ के नीचे रखा हुआ है ना एक पैकेट, तो इस फॉर्म के अंदर कमर्शियली प्रिपेयर्ड पैराफिन वैक्स आती है, छोटे छोटे बीज बनी होती है। तो आपको ये वैक्स चाहिए, फिर उसके वैक्स के हमारी तरफ करके ना वो पेपर के ऊपर रखे हुए हैं मोल्ड, इसको कहते हैं मोल्ड, मतलब सांचे, इसके अंदर जैसा मोल्ड जिस साइज का यूज करेंगे उसमें वैसा ही ब्लॉक बन जाएगा। तो हाँ, ये देखें ये मोल्ड है, तो डिफरेंट साइजेस के मोल्ड देख लो आप। अगर ये डिपेंड करता है कि आपका वो जो टिश्यू का साइज है वो कितना है, ये जो ग्रोथिंग में आपने कट करके जिसमें स्टेशन में डाला था टिश्यू प्रोसेसिंग स्टेप के लिए, तो अगर वो बड़े वाला है तो ये पहले वाला ब्लॉक, अगर थोड़ा छोटा है तो वो, और फिर बहुत ही छोटा है तो आप वो लास्ट वाला क्या है मोल्ड यूज कर सकोगे। इसके अलावा ये जो मोल्ड होते हैं ना, ये इनके साइज इतने छोटे 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 क्यों होते जा रहे हैं? ये है कि जितना टिश्यू उतना फिर ये ज्यादा वैक्स की क्या जरूरत है, हर तरफ वैक्स ही वैक्स हो। हाँ, एक हद तक तो वैक्स चाहिए क्योंकि वो ब्लॉक की फॉर्म बन जाए, लेकिन एक्स्ट्रा वैक्स का तो ये इशू है ना कि वो आपको जब कटिंग करोगे तो वो सेक्शन में आएगा, सेक्शन की जब वो थोड़ा सा कोई सी भी स्ट्रेन करने से पहले उसको हॉट एयर ओवन में रखोगे तो वो पिघल ही जाना है। और फिर दूसरा जालिन में डी वैक्स करने के लिए रखोगे कोई सी भी स्ट्रेन में, तो वहां पे भी केमिकल ज्यादा यूज होंगे डी वैक्स होने के लिए। तो बेहतर है कि आप ना शॉर्ट मतलब टिश्यू के हिसाब से वो ले लो मोल्ड, और फिर जितना मोटी क्यों हो उतना ही थोड़ा सा उसके साथ से वैसा एक्स्ट्रा वैसा जरूरत नहीं है। जैसे वो ऊपर वाला आपका टिश्यू हो नाखून के जितना, और उसमें ये हो के ढेर सारा इधर उधर उतना ईंट बनी हो नेक्स्ट की, तो क्या फायदा? हाँ, जब एक से ज्यादा बायोप्सी एक ही ब्लॉक के अंदर बनानी हो तो भी वो बड़े वाला यूज कर सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे, तो आप उसमें टिश्यू को लगा दें और एक ही ब्लॉक बन जाए। तो ऐसा भी होता है कि जैसे ना कुछ स्किन स्ट्रेपिंग जो आती है या जो ट्रस बायोप्सी होती है उसमें क्या है कि ट्रस के बारे में भी देखते हैं कि वो क्या चीज होती है। उसमें क्या होता है कि एंडोस्कोपी डाल के जब मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाया करते हैं ना, उनका साइज बढ़ जाता है, तो वो एक तो ये देखने के लिए कि वो क्या ट्यूमर तो नहीं है, और दूसरा उसको वो जो पेशाब की नाली है ना उसको उन्होंने स्क्वीज किया हुआ होता है तो पेशाब पास नहीं हो रहा, तो वहां से ना जैसे छीला जाता है, पील ऑफ किया जाता है, तो वो इतना ऐसे बहुत सारा कचरा था। जैसे कि आपने चार कभी देखा हो कि गाजर के ऊपर से ना एक एंगल बना के अगर उसके ऊपर से छुरी जैसे छिली जाएगा तो उसके ऊपर ऐसे छिलका छिलके से उतरते हैं काफी सारे टुकड़े बन के। मैं उस तरह के छिलके को उतारने की बात नहीं करा जैसे हम आलू के या ऐसे छुरी सीधी रखते हैं उसके ऊपर से पूरी ऐसे पत्ती की फॉर्म में उतारे, नहीं बस ऐसे हल्का हल्का जैसे ऊपर ना छुरी 90 के एंगल से या थोड़ा सा एंगल कम करके ऐसे उसके ऊपर फेंकते हैं ना तो ऐसे छिलके से आते हैं। या जैसे कि गाजर का जूस निकाला जाता है तो वो जो एक मटेरियल आता है जो हम डिस्कार्ड करते हैं वैसे छिलके से बने हुए आपके पास आएंगे, तो
नहीं जी, इस बड़े वाले ब्लॉक में आप काफी सारे फैला लो और ऊपर से वेस्ट डालो और उनको नीचे दबाते जाओ, तो उस वक्त भी ये बड़े वाला ब्लॉक चालू होता है। ये कॉन्सेप्ट है, एक से ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि जब आप इसको यूज कर रहे होते हो तो फौरन ही इसके ऊपर वेस्ट जम जाता है। तो पहली वाली वो आप उसमें वो जगह बनी होती है जहाँ पे कॉन्सेप्ट को रखना है, तो वो गर्म होगी, उसके ऊपर से वेस्ट लाइट हो जाएगी, तो आप एक नहीं उठा लें, तो इससे थोड़ा कर चाहिए था। ये क्वेश्चन है, तो इसके अंदर क्या है कि वो टिश्यूज होते हैं जो आपने टिश्यू प्रोसेसिंग मशीन में यूज की हुई होती है, तो टिश्यू प्रोसेसिंग मशीन में अगले दिन आके निकाल के सारी क्वेश्चन हॉट रिजर्वायर जो होता है टिश्यू एम्बेडिंग सेंटर का, उसमें आप रख देते हो। तो ये है हमारी एम्बेडिंग सेंटर मशीन, उसमें वो देखते -3 टेम्परेचर सेट हुआ हुआ है, क्या है के कोल्ड प्लेट का यहाँ तो दूर रखी हुई है उन्होंने, और फिर ये सामने रिजर्वायर, और आपको पता है कि चारिश की गर्म होती है, चारिश की ठंडी होती है, गर्म साइड का वो पूरा ढक्कन उतर जाता है, तो वो इतना नीचे द्रास टाइप बनी होती है पूरी की पूरी हॉट टेम्परेचर से, तो आप उसमें सारे अपने केसेस रखते हो। यहाँ पे ये वेस्ट डला हुआ है, लिक्विड फॉर्म में हो गया, ये हॉट रिजर्वायर है, सारी केसेस इसमें रखी हुई है, और ये वो जगह जहाँ से नोजल से वेस्ट बैठा है, एक एक करके केसेस उठानी है। एक एप्रोप्रियट साइज का आपने वो ब्लॉक मोल्ड लेना है, उसको नीचे रख के थोड़ा सा वेस्ट डाला थोड़ा सा, अब इसके ऊपर फोर्सेस से टिश्यू पकड़ा, और ये रखा, और इसको जिस तरफ को देखना है ना कि उसमें पैथोलॉजी चेक करें, वो नीचे की तरफ होनी चाहिए साइड, और यहाँ पे देखे अभी जम नहीं रहा, तो इसको जैसे थोड़ी छोटी सी ठंडी जगह बननी होती है ना, तो कोल्ड प्लेट ज्यादा ला के रखा, वो जम गया, फिक्स हो गया, उसके ऊपर ये केसेस रखी और वेस्ट एक्स्ट्रा डाल दिया, और यहाँ पे कोल्ड प्लेट के ऊपर रख दिया, तो ये ब्लॉक बन जाएगा। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? नो सर, इसकी आवाज सुनी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है, क्लियर है। अच्छा, ये देखें, ये ना आपका ब्लॉक बन गया, उसके ब्लॉक के अंदर ये केसेस का कल जैसे बताया था कि ये स्पोर्ट के तौर पे जिसको माइक्रोटोम पकड़ेगा, और एक्स्ट्रा उन्होंने वेस्ट उसके ऊपर से पील ऑफ कर ली, छील ली, और इसको अरेंज करके हिस्टो डिपार्टमेंट में वो जहाँ माइक्रोटोमी होनी है वहां पे सेंड कर दिया। अच्छा, मैं कोई और भी आप लोगों को और बिल्कुल देखते हैं। अब इसमें भी वो टिश्यू बैंडिंग करेगी, ये हॉट रिजर्वायर जिसमें सारे वो मोल्ड रखे हुए होते हैं, और इसके नीचे जो प्लेट बनी हुई है वायर का ढक्कन है, वो वहां पे सारी टिश्यू होती है।
ये हॉट लेजर हुआ जिसमें केसेस पड़ी, उसके हर केसेस के अंदर एक खास टिश्यू है जो ग्रोसिंग के वक्त डाला था, और उसमें टिश्यू प्रोसेसिंग के भी अंदर यही सारी केसेस घूमे। तो इसका टेम्परेचर तकरीबन वेस्ट के मेल्टिंग टेम्परेचर से 2 या 4 सेंटीग्रेड ऊपर हाई होता है। ये जगह है जिसके अंदर फॉस्फेट और वो रखते हैं जहाँ नोजल और पीछे से टैंक है वेस्ट का, और उस जगह पे जहाँ उसकी उंगली है वहां पे एक चकोर सा ब्लैक कलर का बना हुआ, ये छोटी सी जगह कोल्ड टेम्परेचर होती है जहाँ पे वो टिश्यू की ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए यूज करते हैं। ये जगह सारी गर्म है जहाँ वो उंगलियां लगा रहे, और जहाँ फॉर्सेप्स रखे हुए हैं वो भी जगह वार्म अप होती है। तो ये देखो ये वेस्ट साइड जो एक्स्ट्रा वेस्ट होते हैं ना उसके नीचे होल बना होता है, वो नीचे चली जाती है। ये जहाँ उंगली लगा रही है ये जगह क्या है कि ठंडी होती है, पर्पज इसका ताकि इसके ऊपर जब मोल्ड रखें तो वो नीचे से जमना स्टार्ट हो और टिश्यू फिक्स हो जाए, और जिस पे उंगलियां अब रख लेंगी ये सारी की सारी जगह कोल्ड होती है। ये देखिए इसमें वेस्ट जो यहाँ पे एक्स्ट्रा थे वो नीचे जा रही है, एक केस से उठाया और एक मोल्ड भी लिया। मोल्ड में अब केसेस का लेड उतारा और थोड़ा सा वैसे भरा, और ये बायोप्सी देखो छोटी बायोप्सी है तो उसने मोल्ड भी छोटे वाला लिया, और वह हॉट प्लेट वो इसलिए रख रही है कि अगर उसके लिए थोड़ा सा वैक्स जमा हुआ है तो वो मेल्ट हो जाए। ये हॉट जगह जहाँ पे उसने रखा ये जहाँ ब्लॉक बनना है उसकी बिल्कुल बॉटम पे रखा, और ये जैसे जमना स्टार्ट हो गया। ठंडी जगह है ना, नीचे से कोल्ड टेम्परेचर मिल रहा है इस ब्लैक वाली जगह से। अब जब वो जम गया आपको तो तसल्ली होगी कि सही से टिश्यू प्लेस हो गया है। ये उसके ऊपर स्टिक रखी और उसको वैक्स भर डाला और यहाँ पे रखा। तो वो कहता है कि अगर ना आपके पास ये मशीन नहीं है तो आप ना ठंडे पानी में भी उसको भिगो डाल के वो फ्रीज कर सकते हैं। तो वो उसके लिए ये कि थोड़ी देर वेट करना होगा, तो जब तक सरफेस पे कोई एक वो जमी हुई लेयर ना बन जाए, क्योंकि अगर वो जमी हुई लेयर नहीं बनेगी तो वो जैसे ही पानी में डालोगे तो वैक्स बह के बाहर निकल जाएगा और तैरना शुरू कर देगा फ्रीज होके। अब ये दूसरी टिश्यू ये थोड़ा सा वैक्स पूरा नहीं भरना होता पहले, वो फिर जमना स्टार्ट हो जाता है। ये बायोप्सी रखी उसने लेकिन ये फिक्स नहीं हो रही, आप हिल रही है देख रहे हैं। ये वैक्स बहुत जल्दी जम जाता है, मोमबत्ती का तो पता ही है ना, इधर आप ड्रॉप डालते हो उधर वो जमना भी लग जमने भी लग जाता है।
जी सर, जी सर, या मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन शो हो रही है? नो सर। इन केसेस में इसमें नंबरिंग होती है, कोई खास एक हिस्सों का नंबर ही दिया जाता है, जो लैब नंबर होता है, बाकी इंफॉर्मेशन आप नहीं लिख सकते, उसमें जगह होती नहीं। ये डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं, कैप या लेडी जिसको बोलते हैं। देखो, वो कहते हैं कि अगर एक टिश्यू छोटा था तो आप साइज छोटे वाला बोल यूज करोगे ना, ये तो नहीं है कितने बड़े वाला यूज कर लोगे। खाम खा का एक्स्ट्रा वेस्ट और आगे की सारी एक्स्ट्रा प्रोफ। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ये क्यों बफरिंग पे चले गए? जी जी, एयर नहीं आनी चाहिए इम्बेडिंग के अंदर। एयर आगे ना बबल बनेगा, वो जब कटिंग होगी तो वो टूट जाएंगे सेक्शन। ये देखो, ये दो बाउट्स हैं एक ही ब्लॉक के अंदर, सारे पीसेस वो एक ही जगह रखेंगे, तो आपस में मोल्ड का साइज बड़े वाला यूज किया। आपने यहाँ उस हिसाब से रखनी है कि वो आपकी फाइनल माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पे भी वही सीक्वेंस फॉलो हो। ये एक ही मोल्ड के अंदर एक से ज्यादा बायोस
वो पार्ट जो थे बायोप्सी के उसको इम्बेड करके आपको दिखाया जा रहा है। बबल नहीं आने चाहिए। ये अगर ज्यादा पीसिंग हो टिश्यूज के तो उन सबको एक साथ नीचे दबाने के लिए, क्योंकि अगर ज्यादा पीसिंग हो गए एक को आप प्रेस कर ऊपर ठंडा होता जाए तो फिर आगे वाले सही से फिक्स नहीं होंगे, तो सारे टिश्यूज एक साथ रखो और उसके ऊपर ना इसको प्रेस करो तो वो सारे नीचे बॉटम के साथ फिक्स हो जाएंगे। ये ब्लेड इसमें रखा हुआ है कि अगर इसको अब कोई ट्रेनिंग हल्की फुल्की करना पड़ती है तो ये कर सकते। अब ये सारे ब्लॉक्स बन गए हैं तो अब वो उनको ओपन करना है। अब देखो जी
इस तरह करके इसमें से ये ब्लॉक निकल आता है। अब जो टिश्यू आपको टिश्यू की वो कार्ड जो है कि आपको पैथोलॉजी चेक करनी, आपको कुछ फील हो रहा था, वो अब आपके सामने होता है। ये अब आप उसमें सारे ब्लॉक जो थे ना मोल्ड थोड़े भी उतार के या सेव कर लीजिए। जगह गर्म है तो अगर उसके ऊपर कोई हल्का फुल्का डस्ट लगा हुआ होगा वो सारा का सारा मेल्ट डाउन हो जाएगा। तो ये बड़े वाला ब्लॉक इसमें ज्यादा किसी के पीछे रखे हुए हैं। मेरा ख्याल है आप लोगों को अब एम्बेडिंग को अच्छे से समझ आ गई होगी। अहमद सर अहमद अशबीर अजीम सर हाँ ये इम्बेडिंग सही से समझ आ गई है जी सर। अच्छा यस सर सही 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 हसनैन जी सर आगे समझ आगे समझ तो सही है। अजय वाली क्लास में अब बंद कर रहा हूँ क्योंकि काफी टाइम हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं सर दिया की।